ये एक वीडियो डाला गया था कुछ दिन पहले, उसमें बोला गया कि मुसलमान है कश्मीर ले जाते हैं, ये लोग मारते हैं गाय को, काटते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत सिर्फ एक फोन कॉल से हुई थी, पर कहानी वो थी नहीं जो हमें लगी थी। उनका कहना है कि गांव में उनके कोई नॉन पर्सन है जिन्होंने 18 से 20 बैलों को बांध के रखा है एक जगह पे, और खाना नहीं डाल रहे, पानी नहीं डाल रहे, एक दो बैल की शायद मौत भी हो गई है वहां पर। उनका कहना है कि मैम मुझे लग रहा है ये कसाई वसाई के पास जाएंगे ये बैल ना। उस समय तो हमने उनको यही कहा कि भाई आप हमें वहां पे मिलिए, फिर हम मौके पे जाके देखते हैं कि माजरा आखिर है क्या। गाइड तो कर देंगे पर फिर वो अलर्ट ना हो जाए ना। हम एक बार जाके बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके दोबारा उनके साथ आ जाएंगे। वो मानने वाला बंदा नहीं है ना, वो दो तीन बार पुलिस ने वार्निंग दी है। अब वो कितना समझेगा कितना नहीं, ये तो वहीं जाके ही पता लगना था। भैया हम ये पुल पे आ गए हैं, ये जो स्वास्थ्य के पास है उसका आप घर बता दीजिए, जहाँ उसने बैल बांध रखे हैं। चलो वार्निंग दी इसको 3-4 बार, मानता नहीं किसी की बात। ऐसी अजीब बंदे हैं, तो हमने तो यही सोचा था कि रात को पर्दे से चुपचाप ही खोल देंगे उनको ना। वो घर है यहाँ, एक कच्चा सा मकान है। हाँ, और रास्ता कहाँ से है? रास्ता वहाँ से जाते हैं। घर पे नहीं है। खाना तो डाल रखा है। ये जो आपके नेबर हैं इनकी कंप्लेन आई थी हमें, कुछ है ऐसा कि बांध बांध लेते हैं और फिर पशुओं को आगे बेच देते हैं। कंप्लेंट गई है ना। हाँ तो मर जाएंगे, खड्डा कर देंगे, इधर दबा देंगे, खड्ड में फेंक देंगे। तो ये लाते कहाँ से हैं पशु? लोग दे जाते हैं ना, पैसे दे देने, साथ में बैल दे देने, गाय दे देने। वो लोग क्या क्या साथ में पशु देते हैं, साथ में इनको पैसे देते हैं, मतलब अपनी मुसीबत हटाते हैं ना, कि भाई अब हम क्या करें इस पशु का, तुम अब जो मर्जी करो। जी जी। एक बार हम ना ये सारे टोकन्स की फोटोग्राफ भी ले लेते हैं, तो निकाल लेंगे भाई किस किस ने दिए, सबका पता लग जाएगा। हाँ, तो। सॉरी जी, धनी की क्या बात है बच्चा, नो टोकन। कितना नुकसान कर रहा है हमारा, हम अपनी गेहूं नहीं सुखा सकते आंगन में, छोड़ देते। फिर ऐसे जैसे दोबारा तो उसकी नहीं हमको बदबू आ रही है, 7-8 जो है पशु से ने ऐसे दबा दिए गए, थोड़ा 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 खड्डा करके डाल मारा है, दबा के तो ऊपर कांटे डाल दिए थे, कुत्ते खोदे ना ऊपर जो है वो डाल दिया, फिर गोबर कोई ना बोले कि दबाया। फिर इसी दौरान जिन्होंने हमें कॉल किया था उनको वो व्यक्ति मिल गया, और उनका हमें फोन आया कि वो व्यक्ति तो शमशान में बैठा है। यहाँ पे कोई शमशान है, बंदा तो मिल गया वहाँ पे। ओके, ये नीचे शमशान है। सारे पशु आपके हैं? हाँ जी, सारे मेरे हैं जी। तो टोकन आपके नाम पे पंजीकृत है? नहीं, टोकन नहीं है, मैं तो खरीद के लाया हूँ ना, पंजीकृत नहीं है मेरे सामने, ऐसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ सामने। कहाँ से? जो जो हमारे गांव से, यहाँ बाहर से कोई नहीं है इधर डंगर। और आपने क्यों खरीदे? हम लेके जाते हैं सर जी मंडी, हर साल लेके बेचते हैं, और छोटे छोटे बछड़े बेचते हैं। आप वो खरीद लेते हो लोगों से? हाँ जी। कितने का? जैसे 500, 1000, 1200, 1500 में इतना खरीदते हैं, ज्यादा नहीं खरीदते, हमने बेचना होता आगे जाके। बिकता कितने का आपका? ये 2-2.5-3 हजार में, 1000 को सस्ता भी दे देते हैं, हो सके तो अपना खास ही होगा तो फ्री में दे देंगे, ले भाई अपना सार काम। और जो बूढ़ी गाय है जो दूध नहीं देती, वो आपको कितने की मिलती है? वो नहीं मैं देता सर। पर अभी 3-4 मरे हैं आपके ना, तो बर्फ से मर गए, वो बाद लग गए ना। बर्फ कहाँ पड़ गई यहाँ? बर्फ तो वो मोटे मोटे गोले नहीं पड़े सर। तो ओलों से बैल कैसे मरा? ओलों से गर्मी का ही तो पकड़ लिया था, और एक बार एकदम सर्द और गर्म हो गया, सनबाद वाला सा पड़ गया। नो साइलेंस, छाटा जाओ भाई, छाटा जाओ। पानी कहाँ है? पानी आप पानी भी दिखा देता हूँ, बड़ा टैंक में देखो, पानी की कमी थोड़ी है सारे, रात दिन नहीं सोता हूँ इनके पीछे में, सेवा करता हूँ कहूँ भी जाएगी। ये तो खाली है, नलके बंद पड़े हैं, पीट वाला खराब है। अब इन्हें पानी पिलाना है तो कैसे पिलाएंगे? अभी मैं ऐसे निकालूंगा खड्डे से, रस्सा डालूंगा, पानी निकालूंगा। इस समय आप ये जुगाड़ कर रहे हो, आपका तो रोज पानी आप इस टैंक से निकालते ही नहीं हो। निकालते हैं सर जी, रोज ये जैसे बनाते हैं आगे पीछे। भाई साहब आपकी हर बात झूठ लग रही है।
आप ये खरीदने बेचने का काम कब से कर रहे हैं? ये तो जिंदगी भर से कर रहे हैं, 5-6 साल से कर रहे हैं। तो ये गाय आप फ्री में ले आए हो ना? हाँ जी, फ्री में ली है, अपने घर के पास से ली है। काटने के लिए बेच रहे हो गाय? नहीं, मैं नहीं काटता हूँ सर। नहीं, जिसको आप बेचते हो? चंबा जाते हैं मंडी में। मंडी में कोई गाय ऐसी क्यों लेगा जो जिसने मुफ्त? ये तो घर में रखी है, इसको कहाँ ले जाऊँ मैं चंबा? इसको थोड़ी ले जाऊंगा गाय को चंबा? गाय लेके जाऊंगा, गाय घर में रहेगी, बच्चे मेरे कल आ जाएंगे, मैं गाय को नहीं लेके जाऊंगा। ये बैल चंबा जाएगा? हाँ जी, ये बैल चंबा जाएगा। ये हल चलाएगा? ये हिल्लू में पकड़ा है। तो मुफ्त में, मतलब आप? ये मुफ्त में पकड़ा है, अपने माँ बाप की तरह पाल के रखा हूँ इनको, क्योंकि हम बिल्कुल फ्री सेवा करते हैं 24 घंटे इनके लगा हुआ गुलामी में। आप कभी कह रहे हो हमने सेवा के लिए रखे हैं, आप कभी कह रहे हो हमने ये इतने की गेहूं खिला दी मुझे बेचने हैं। तो सेवा तो करना पड़ेगी तभी बेचने जाऊंगा ना, सेवा नहीं करेंगे तो बेच कैसे पाऊंगा इनको? इसको चंबा में बेचोगे? यहाँ खरीदेगा इसको बूढ़े को? ये हल तो नहीं चला पाएगा, हल के लिए घुट लेके जाता है। फिर मैं वहाँ पर देता हूँ मुसलमानों को, वहाँ से श्रीनगर पहुँचते हैं। देखो हमें मालूम नहीं था हर चीज का, मालूम नहीं, तभी तो बोल रहा हूँ गवर्नमेंट क्या कर रही है। आपके पास कोई पुख्ता सबूत है कि ये चंबा? सबूत तो जब लेके जाएगा तब कोई तो जाके देखेगा, तो सबूत तो मिलेगा ना? अरे थोड़ी मिलेगा सबूत, और जिसको बेचेगा उधर उसको पकड़ेंगे हम, तभी तो सबूत मिलेगा। मुझे नहीं लगता अगर हम अभी नहीं आते तो ये पानी यहाँ पे पिलाते। ये तो सिर्फ अभी कहने भी पिला रहे हैं, दिखा रहे हैं। आज 1.5 महीने के बाद पानी है, सारी सच्ची बात करनी है। भाई साहब यहाँ तो आपने गाय क्यों रख रखी है? मुझे थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, हो क्या रहा है एक्चुअली में। हम आगे इसकी कार्रवाई भी कर लेंगे, नंबर भी ढूंढ लेंगे, चक्कर ये है कि सरकार के पास भी समाधान तो कोई है नहीं। अब यही चक्कर है कि अब ये जाए पशु तो जाए कहाँ पे ना? जिन्होंने पाले वही पाले ना अपने घर में, क्यों दे रहे हैं ऐसे लोगों को? हाँ, दूध निकाल लिया, दूध बंद कर दिया, छोड़ दो, लेके चलो कि जहाँ से खरीदा है, गाँव के ही है ना? हाँ, अब लेके चलो हमें उनके घर में। हाँ जी, ये नरेड़ गाय का, गांव का कोई नहीं है? गांव का कोई नहीं, गांव का सब वापस कर दिए। हर एक मिनट में आप झूठ बोल रहे हो। मैंने वापस कर दिए हैं मोती के डंगर से मेरे पास, मैंने उसको वापस कुंडे पे बांध दिया हूं। चलो भैया नेड़ चलो आप। आपने इनको कोई बैल बेचा है क्या? ये कोई पता नहीं मारे को। हाँ जी, अच्छा क्या बोलते, कितने पैसे देते तो है ना? ये बोल रहे हैं कि हमारे से एक तो बैल लेके गए हुए प्लस 500 रुपीज लेके गए। बैल तो चलो ठीक है, सेल कर रहा है, बट जो गाय है उसका क्या करेगा? ये भी मानने की बात है ना, वो घोड़ नहीं हट चलाएगी, चंबे से आगे और जगह है, बांस बलाई करता है ये हमने सुना है। काटने के लिए करता है? ये काटने के लिए करती है। मेरे पास एक बछड़ा इस टाइम का तो आपने रखा है? रखा है, सेवा पूरी, जैसे गौ को खिलाते हैं दूध देती है ना, तो पूरा उसको खुराक। तो आप अपने भाई को भी समझाओ ना, वो बैल क्यों दे दिया उन्होंने? ये बैल हुआ है, मैं पैर में चोट लगी है, ये देखो ये। ओ अच्छा, वो तो अभी ऐसे ही रहता है पैर इसका? ऐसा रहता है। अच्छा बताओ कि ये क्यों रखा मैंने? हम भी मार सकते इसको, कैसे भी मार दो, भूखे मार दो, कुछ मत बुलाओ, कई कुछ करती हैं दुनिया। उन जितनी भी यहाँ गाय हुई है 5-6-7-8, किसी का बछड़ा नहीं होगा गाय के लिए, बछड़ा बछड़ी होगी, ऐसे करते हैं दुनिया। और क्या भाई, आप अपना बच्चा भी तो जो है किसी को नहीं दे दोगे ना, तो उसका भी तो बच्चा है, वो बोल नहीं सकती बस, है ना? घर पे तो चली है, रोती है, बछड़े को जैसे दूर करो वो रोता है, वो भी रोती है, तो उसको भी दर्द है, तो काय देना। आप समझते हो, बाकी लोग समझते नहीं है। चलो मैं तो यही चाहूंगा कि आपका वीडियो जैसे लोग देखते हैं, आपसे प्रेरणा ले, आपकी सुने, समझे आपसे, ठीक है? थैंक यू। हम नहीं इस चीज को बोलेंगे। वापसी में हमें वो भाई भी मिल गए जिन्होंने अपना बछड़ा दे दिया था। तो आपने इसको बछड़ा दिया ही क्यों? पता ये ऐसा काम करता है। आप चल लो साथ हमारे, और आप चलो। आपने तो इसको बछड़ा ले जाने के पैसे नकद दिए ना, अपनी जेब से आपने पैसा क्यों दिया? इस नादा तो ये गया कि चल मतलब कहीं घास भी अच्छे तरीके से खाएगा और मेरे मेरा काम कर जाएगा।
आपका काम घट जाएगा ना। मेन तो ये है ना, मेन तो ये है ना कि बछड़े का थोड़ा आपने तो अपना काम घटाया। आपने मेरे घरवाली के घुटने में दर्द होती है, उसे काम नहीं हो जाता ज्यादा। ये है मेरा ले ही जाओ ना। करके सारे जाए। आपसे तो हमारा ये कंसर्न है की आपके टैग नंबर्स की रजिस्ट्री होगी ना, उसके पास जो लोगों ने गाय बैल छोड़ रखे ना उनके टैग नंबर है, तो हम चाहते हैं वो जहाँ जहाँ से आए हैं वापस अपनी जगह जाएं। 8408531936। ये बोल रहा है नंबर तो ठीक है। चलो तीन तो फोन नंबर है, उनको फोन करते हैं। एसडीएम साहब से तब भी पूछना पड़ेगा ना, जो बाकी बिना टैग वाले हैं उनका करना क्या है। गौसदन जाते हैं, देखते हैं क्या ये गौसदन मार्जिनली बेटर है उस जगह से। अगर है तो फिर रिक्वेस्ट करके, मतलब इससे थोड़ा सा भी अगर बेटर है। यही जा के देख रहे हैं कि गर्मियों में पानी की व्यवस्था तो पानी का काफी है सर, फिर सर सुबह डालते हैं सर। तो यहाँ पे उधर से तो सिचुएशन बेटर बेटर है, हाँ। है ना, प्लस खुले हैं ये। ठीक है, तो हम यही कोशिश करते हैं, एसडीएम साहब से बात करते हैं कि वो एमसी से परमिशन दिलवा दें हमें और हम उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दें। तो सर क्या इन्हें सरा गौसदन शिफ्ट किया जा सकता है? ठीक है सर, आप तहसीलदार साहब का नंबर दे दीजिए मुझे। आप एमसी में बात कर पाएंगे? अब गौसदन म्यूनिसिपैलिटी के अंडर आता है और हम लोग उस एरिया से बाहर हैं, तो वो दरवाज़ा तो हमारे लिए बंद हो चुका था। तो हमें यही था कि भाई जिनकी टैग से हमने जानकारी निकाली है उनको तो कम से कम वापस अपने घर भिजवाएं। जो बैल आपने उनको दिया है आप वापस लेके आएंगे उनसे? पिछले कल कहा था कि मैं छोड़ दूंगा सबको, देखते हैं कितने छोड़े कितने। ये भी बेचता है गोबर? हाँ जी। तीन तो ये रखे, एक ये चार दो जी। तो कुछ तो दे आया, कुछ कल से कमी आई है मेरे ख्याल से। तो देखो हम आते हैं, ये जो अंदर गाय है इसको ले जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए। क्या हुआ इसको? तो देखो ना स्किन की एलर्जी की सारी, इसका तो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करा दे, क्योंकि बाल ही तो इलाज होएगा और जो आएंगे वो पानी पूनी का भी देखते रहेंगे और कैमरे में आ जाएगा, वो देखते रहेंगे क्या हो रहा है। आई थिंक यही बेस्ट है। तो प्लान यही था कि भाई हम टीटॉन स्ट्रीट के लिए रोज आएंगे, तो हमारी नजर रहेगी, तो कोई बैल यहाँ से बिकेगा नहीं और जो भी बैल होंगे वापस अपने अपने ओनर्स के घर पे जाएंगे। पता क्या, लोगों से ले आता है ये पशु को और फिर इधर बांध देता है, फिर वो मर जाएंगे, मार देता, घास नहीं डालना, पानी, ये तो आपके सामने डाल रहा अभी। ये ऐसे ही रहेंगे, इनका यही हिसाब किताब है, इनका यही सिस्टम है। आप कल कितना बोल के गए होंगे, एक बैल तो गया वापस, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर इतनी पुलिस आके चली गई, उनका नहीं उन्होंने माना तो है। हम तो बहुत तंग हैं, कब से कर रहा है ये काम, हो गए 4-5 साल इसकी ऐसी। पर ये जाता है चंबा बेचने जाता है, जाता जूता इधर कौन ले रहा है चंबा में आजकल, इनको कोई नहीं लेता। तो और भी आसपास वालों से बात करके पता लग गया कि भाई वो कोई बेचते नहीं है, बस उन्होंने गाय बैल इकट्ठे कर लेने, ध्यान उनका रखना नहीं, जब वो वहीं पे मर जाते हैं तो फिर वो उनको वहीं पे दबा देते हैं। पर ये बाकी चले गौ सदनों से कुछ खासा फर्क नहीं लगा मुझे। हाय मुसाब, पता नहीं काम से अभी मायके से आए हैं, तो स्किन निकल गई है इसको, तो गाय का काम तो आप अपने करते हैं, आप ही करते हैं? नमस्ते जी, कैसी आपकी गाय है वो जिसका ट्रीटमेंट चला था? ठीक है सर। यहाँ जो गाय बैल बंदे थे क्या किया फिर आपने उनका? जहाँ जहाँ चलाए वहीं छोड़ दिया, पहले से तो बेहतर हो गई। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट तो चलता रहेगा ना, बिजनेस बंद फिर ये वाला बंद है।
काम तो इन्होंने बंद कर दिया, पर बंद करने में इन्हें थोड़ी देरी हो गई क्योंकि किसी ने इनके बारे में ये कहते हुए वीडियो पहले ही डाल दिया कि भाई ये गाय बैल कटने के लिए बेचते हैं। ये एक वीडियो डाला गया था कुछ थोड़े दिन पहले, उसमें बोला गया कि मुसलमान है कश्मीर ले जाते हैं, ये लोग मारते हैं गाय को, काटते हैं, ये सारे बातें मुसलमान है। अब देखिए आगे मुसलमान इतना बदलाम है, ठीक है, और आप लोग बोलो तो ये नहीं बोले इनके बारे मत बोलो, कोई भी बोल रहा है तो रोक लगाना चाहिए ना, ये तो गलत है ना। फिर अगर ऐसे करने लगेंगे तो फिर हर कोई बोलेगा ठीक है प्रूफ करो, प्रूफ तो मांगे, तुम प्रूफ मांग रहे इसका, ठीक है, एक मुसलमान का बात नहीं बहुत मुसलमान का बात है, ठीक है, यहाँ पे दंगा प्रसाद वाली बात हो रहा है यहाँ पे, मैं ठीक कह रही हूँ। हाँ, तो क्योंकि हमें तो यही समझ में आया कि भाई वो लोगों से बैल ले आते हैं भाई, हाँ, जिनके काम के रहे नहीं, काम के रहे नहीं, वो दे देते गोबर बेचते हैं, गोबर बेचते हैं, अपना फैमिली को दिक्कत होता है। हमारे को जो एक कमी दिखी ना, हमारे को ये दिखा कि जैसे ये गाय है ये खुजली हो रखी है, उन्होंने इसके इलाज के बारे में सोचा नहीं, सोचे है ना, वो तो अब हमारे डॉक्टर आज 6 बारी आ चुके। फिर आप देखो जो बाहर बैल बंधे थे, हाँ, उनका कोई आसरा नहीं है कि भाई धूप हो रही है, बरसात हो रही है, ओले हो रहे हैं, हाँ, 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 तो बेचारे वो बंधे ही थे, तो वो छूट गए तो अच्छा हुआ, नहीं तो अब परसों कितने ओले गिरे, हाँ, फिर मरते बैल, मरते ना, तो ठीक बात है। फिर तीसरी बात यह, और इसमें आप भी परेशान हो गए इनसे कि ये सुबह ही पी के चले गए, कोई दे देगा 1500 मेरा बेड़ू ले जाओ, वो अपना बेड़ू से जान छुड़ा लिए और इसको पैसा मिल गया, खा लिए पी लिए, और ये खा भी रहे हैं, पर यहाँ पे गाय के पास पानी नहीं था, पानी नहीं था। चलो यही है, आप इनको इतने ही लाने देना जितने ये अंदर रख सके, जिनको पानी पिला सके। हम मना करते नहीं लाना यहाँ, हम लड़ाई करते हैं क्योंकि आपका अपना ही पीने का पानी की दिक्कत है, हमको होली दिक्कत है। तो ये जो टैंक बना रखा है नीचे, इसमें पानी भरता नहीं कभी? नहीं नहीं भरता, इसमें लैट्रिन के लिए बनाए थे, लैट्रिन बनाना है, लैट्रिन का गड्ढा था, गड्ढा बना, लैट्रिन बनाया नहीं, बनाना इसके लिए किए थे। इसका क्या नाम रखा है? ध्यान रखना है गोरू का। भाई साहब अब आप देखना ना कि इकट्ठे मत कर लेना, अब नहीं करने, आप ये खाते पकेंगे पक्का ना, मैं तो मखान में क्लियर कर दूं, भाई गाय को तो काम में तो दिला दीजिए, हां कर ले, मार मार नौकरी कर ले, हां तो दिला दीजिए, कोई काम में मन लगता है इनको, दे दिया है हमने इनको, नौकरी करे तो गलत काम नहीं करेगा, फिर सब फट जाएगा फिर ये। अब जो इन्होंने किया वो था तो गलत, भाई इनके पास गाय बैल को देने के लिए पानी है नहीं, ये उसको ठंड से बारिश से बचा नहीं सकते, तो इनको इकट्ठे करने नहीं चाहिए थे, पर जिनसे ये लेके आए उन्होंने भी तो गाय मुनाफे के लिए ही रखी हुई थी, तो जो बूढ़ी गाय है बछड़े हैं उन लोगों ने भी या तो भूखे मारने थे या वो सड़क पे छोड़ते, पर देखिए फिर भी लोगों को दूध तो चाहिए, अब भाई जिसके पास अपने बच्चे के लिए खाना नहीं है वो बछड़े का थोड़ा सोचेगा, उसको दूध चाहिए, जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो भी जानवर का शोषण करेगा, पर मुझे ये बात समझ नहीं आती जिसकी कोई मजबूरी नहीं है वो इस शोषण में क्यों लिप्त है।